हेलो, गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, हैप्पी? यस। चलो आज मैं आपको जूनियर के जी की और वर्कशीट सिखाऊंगी, है ना? कैसे लिखते हैं आगे? डू वांट टू लर्न? यस, लेट्स स्टार्ट। शुरू करें ना हम? ओके, चलो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना? हमने क्या सीखा? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन, कर्व, इन्वर्टेड कर्व, है ना, उल्टा कर्व, देन सर्कल। इतना सीखा ना? उसके बाद क्या सीखे हम? उसमें से हम अल्फाबेट बनाना सीखे, है ना? यस, कौन कौन सा सीखे चलो देखते हैं। हमने सीखा स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग से एल, फिर हमने सीखा टी, फिर हमने सीखा आई, देन एफ, है ना, L for lion, T for tiger, I for ice cream, F for fish, E for elephant। सीखा ना हमने? Yes। फिर हमने सीखा H for house, then A for apple, है ना, ये अल्फाबेट हम सीखे। ओके, अभी हम और आगे सीखेंगे। और हम नंबर कौन से सीखे चलो नंबर्स देखते हैं। हम नंबर सीखे 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 and 7। इतने नंबर सीखे ना आप? यस। अभी हम आगे और अल्फाबेट्स एंड और नंबर सीखेंगे। ओके, सीखेंगे ना, और लेटर सीखेंगे, ABCD, है ना, पूरी उसके अंदर जो आगे के है ना वो लेटर्स सिखाऊंगी और नेक्स्ट नंबर्स भी सिखाऊंगी। तो चलो देखते हैं वर्कशीट में कैसे लिखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। सी व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर 8। कैसे करोगे? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे जाके, ऐसे, है ना। पहले क्या करना है? पहले एस करना है, एस फॉर सन, फिर ऊपर जाके गोल करके टच, यहाँ से जाना है, नीचे आना है, फिर ऊपर जाके टच करो। ओके, लूप बनाना है। क्या बनाना है हमें? लूप बनाना है। दिस इज नंबर 8। व्हाट इज दिस? नंबर 8। से विथ मी, नंबर 8 क्या है ये? 8 क्या है ये? 8 है ना ये। और इसको कैसे लिखेंगे? एस करके नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे और क्लोज कर दोगे उसको, है ना, हो जाता है ना ऐसे नंबर 8। यस, देखो कैसे करोगे। पहले एस फॉर सन किया, फिर बंद कर दिया उसको, ऊपर जाके क्लोज, ऐसे करके एस किया, फिर ऊपर जाओ, टच कर दो उसको। दिस इज 8। से विथ मी, 8, 8, दिस इज 8। ऐसे आपको लिखना है, एस करके ऊपर जाओ, एस बनाया, एस फॉर सन, फिर ऊपर जाओ, क्या बन गया ये? 8, 8, है ना, होता है ना ऐसे। यस, ये नंबर 8 है ना। चलो 8 में कितनी लॉलीपॉप्स आएंगी चलो देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 8 लॉलीपॉप्स हो गई ना। यस, चलो 8 स्टार्स बनाए हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 8 stars, there are 8 lollipop, okay, तो 8 में कितने आते हैं पता चल गया ना आपको, और 8 कैसे लिखते हैं वो भी पता चल गया। ओके, चलो अभी हम ये वर्कशीट है इसमें 8 लिखेंगे। दिस इज 8, दिस इज 8, ऐसे एस करके फिर ऊपर जाके काव कर देना है, एस करना है, ऊपर जाके गोल कर देना है, एस करके ऐसे, दिस इज 8, है ना। 8 कैसे लिखेंगे? ऐसे,
दिस इज एट। आप अच्छे से लिखना, हाँ लाइन डॉटेड लाइन के ऊपर लिखना, ओके। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है फिंगर में, पर आप पेंसिल से अच्छे से लिखेंगे दिस एट, नंबर एट, ओके। तो आप पूरी वर्कशीट ऐसे लिखने रहा, लिख दोगे ना, यस गुड चिल्ड्रन, मम्मा के साथ बैठ के सारे पेज में एट नंबर एट ऐसे स्पीक एंड राइट बोल के लिखो, ठीक है। फिर क्या करना, कोई भी एट स्टार्स बनाना, एट सर्कल्स बनाना, एट स्क्वायर्स बनाना, जो भी आपको आता है वो ड्रॉ करना। कितने करोगे, एट, ओके। चलो अभी आगे करें। चलो जैसे हमने एट में कलर किया ना, वैसा हम वी में करेंगे। व्हाट इज दिस वी, ऐसे करते हैं स्लांट लाइन, फिर अप जाओ स्लांट लाइन करके, दिस इज वी, स्लांट लाइन करके ऊपर, दिस इज वी, स्लांट लाइन डाउन, कम गो अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, दिस इज वी, ओके। पता चल गया। और वी सेज क्या होता है, वी सेज वैन, वैन कैसी होती है, वैन में बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं ना, यस। कैसी होती है वैन, ऐसी होती है। आप भी वैन को ड्रॉ करना, हाँ करोगे ना, यस यू कैन डू दिस, और यू कैन कलर द वैन, वैन को कलर भी कर सकते हो, ओके। दिस इज वैन, है ना। और वी कैसे लिखेंगे, दिस इज वी, वी 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 फॉर वैन, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन। वी का साउंड क्या होता है, व, क्या साउंड होता है, व। आप व भी बोल सकते हो, वो मैं आगे सिखाने वाली हूँ आपको, ठीक है ना। एक बार अल्फाबेट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको साउंड सिखाऊंगी। वी सेज वैन, वी सेज वैन, पता चल गया आपको वी कैसे लिखते हैं, ओके। तो आपको अपनी वर्कशीट्स में सारे वी लिखने हैं। चलो मैं दिखाती हूँ कैसे लिखने हैं। सी, दिस इज योर वर्कशीट, दिस इज वी, डॉटेड लाइन है ना, उस पर पेंसिल ऐसे करके डाउन अप ऐसे डॉटेड लाइन के ऊपर आपको वी लिखना है, ऐसे बोलना है, वी फॉर वैन, वी फॉर वायलिन, वी फॉर वैस, है ना। वी होता है ना, बहुत सारे वर्ड शुरू होते हैं वी से, दिस इज वी, वी फॉर विहान, वी फॉर वेदा, है ना। ऐसे ऐसे नेम भी शुरू होते हैं वी से, दिस इज वी, दिस इज वी, दिस इज वी, स्पीक एंड राइट वी, वी फॉर वायलिन, वी फॉर वैन, वी फॉर वेस, वी, दिस इज वी। समझ में आ गया सब बच्चों को, सो यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस वी। ऐसे आपको सारी वर्कशीट में वी लिख देने हैं मम्मा के पास बैठ के, ओके। और फिर उसका पिक निकाल के मुझे भेजना है, व्हाट्सएप करना है, तभी मुझे पता चलेगा ना कि मेरे बच्चे करते हैं कि नहीं करते हो, आप कैसा लिखते हो। मैंने तो सिखाया, पर आपने कैसा लिखा वो मुझे देखना है। सो सेंड मी पिक्स ऑफ योर वर्क, ओके। नाउ सी, दिस इज नंबर 9, क्या है ये नंबर 9, कैसे लिखोगे, ऐसे, दिस इज 9, 8 सीखा ना हमने, ऐसे ये क्या है 9, कैसे लिखेंगे, ऐसे, नंबर 9, दिस इज नंबर 9, से विथ मी 9, क्या है ये 9 है, ओके। अभी 9 में कितने होते हैं, लेट्स काउंट। चलो हाँ, हम 9 लॉलीपॉप्स बनाते हैं, हमने 8 बनाई थी ना, नाउ वी विल मेक 9 लॉलीपॉप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lollipops. Now we will make 9 stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 stars. 9 lollipop. This is number 9. है ना, नंबर 9 है ना।
यस, अभी आपको नंबर 9 पहचान में आ गया ना, तो अभी हम वर्कशीट में 9 लिखेंगे। लेट्स सी सी कैसे लिखेंगे, 9 कैसे लिखेंगे हम, चलो कलर लेते हैं हम 9 9 9 9 क्या है ये, नंबर 9 नंबर 9 है ना, नंबर 9। यस, दिस इज नंबर 9, दिस इज नंबर 9, बोल के लिखो नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं देखना, हाँ ऐसे ऐसे, तो ऐसे भी 9 होता है, दिस इज ऑल्सो 9। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे आपको पूरी वर्कशीट में 9 लिखने हैं। ओके, और कोई भी थिंग्स आप 9 ड्रॉ करो, फिर काउंट करो, है ना। घर पे भी बहुत सारे थिंग्स होती है ना, आपके टॉयज होते हैं, तो टॉयज़ को काउंट करो, जब तक वो 9 नहीं हो जाते, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 9 में कितना होता है। ओके, चलो अभी आगे देखिए। नाउ सी व्हाट इज दिस, दिस इज सी, ये क्या है, ये है सी, क्या है ये सी, कैसे लिखेंगे, ऐसे करके काओ करके सी, ऐसे काओ करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी, हमने आगे भी किया था ना ऐसे कव्स। यस, दिस इज सी, दिस इज अल्फाबेट, क्या है ये अल्फाबेट या लेटर, है ना, 26 अल्फाबेट है ना, उसमें से 1 अल्फाबेट सी, दिस इज सी। फिर सी से क्या होता है, कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अभी हम कैट बनाएंगे, सी फॉर क्या होता है, कैट, क्या होता है, सी फॉर कैट होता है ना, ये इसकी विस्कर्स बनाई, आइस बनाई, ये कैट के ईयर हो गए, हो गई ना कैट। यस, दिस इज कैट, है ना, तो सी कैसे लिखेंगे, ऐसे, दिस इज सी, सी फॉर कैट, सी फॉर कैप, सी फॉर कप, है ना, बहुत सारा होता है ना, सी फॉर क्लाउड, सी फॉर कैन, सी, दिस इज सी, क्या है ये सी, सी 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 सी, व्हाट इज दिस सी, और इसको क्या बोलते हैं, सी का साउंड होता है क, सी का साउंड होता है क, वो मैं अभी आगे सिखाने वाली हूँ आपको। तो आपको सी आ गया ना, सी कैसा होता है, सी फॉर कैट। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज नंबर 10, क्या है ये, 10 कैसे लिखेंगे, दिस इज 1 एंड 0 10, 1 0 10, 1 0 10, ये 1 है, ये 0 है ना, तो क्या बन गया, 10। ओके, 1 0 10, 1 0 10, यस। चलो फिर से लिख के देखते हैं, स्लांट लाइन की, फिर स्टैंडिंग लाइन, क्या हो गया, 1 एंड दिस इज 0 10। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, 1 ऐसे करना, हाँ ऐसे करके, ऐसे, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड 0 10, 1 0 10। ओके, कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं फिर से, 1 0 10, 1 0 10, 1 0 10, 1 0 10, 1 0 10, 1 0 10, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, यस, 1 एंड 0 10। चलो 1 10 में कितना है, 1 0 10 में कितना आता है, लेट्स सी, लॉलीपॉप बना के देखे ना, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8
नाइन एंड टेन, इतनी सारी लॉलीपॉप्स आती है टेन में, है ना। देयर आर टेन लॉलीपॉप्स, टेन लॉलीपॉप्स है ना। यस, तो भी आपको पता चल गया 1010 होता है कैसे लिखते हैं और 10 में कितना होता है, कोई भी थिंग्स कितनी आती है, हाउ मैनी, है ना। तो कितनी दिखती है, देखा आपने यहाँ पे इतनी सारी लॉलीपॉप्स आती है, अगर आप 10 लॉलीपॉप्स लेने जाओगे तो इतनी सारी आएगी। ओके चलो अभी आगे देखिए, चलो अभी हम 1010 लिखेंगे। 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, है ना, ऐसे बोल के लिखना। हाँ 1010, 1010, 1010, ऐसे पूरा पेज मम्मा के साथ बैठ के बोल के लिख देना, स्पीक एंड राइट 1010। ओके नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है ओ, क्या है ये ओ, है ना। अभी ओ में कलर करेंगे हम, चलो करते हैं। चलो ओ और ओ लिखते हैं, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसे बोल के लिखो, है ना, होता है ना ऐसे। ओ फॉर ऑरेंज करें हम, सी दिस इज ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज होती है ना ऐसे, यस ओ फॉर ऑरेंज हो गई ना, यस। और ओ ऐसे लिखेंगे हम, ओ ओ ओ, अभी ओ पता चल गया आपको। ओके चलो आगे देखते हैं, सी दिस इज ओ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ओ कैसे लिखोगे, ऐसे, है ना, लाइक दिस, पेंसिल लेके डॉट टू डॉट अच्छे से, मस्त मस्त, फाइन फाइन, विद गुड हैंड राइटिंग, अपनी मम्मा के साथ बैठ के मेरे सारे बच्चे क्या लिखेंगे, ओ दिस इज ओ, क्या है ये ओ। ओके तो आप ऐसे ओ लिखोगे ना सब बच्चे, यस गुड चिल्ड्रन, सारे वर्कशीट पे ओ बना देना। ओके ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑक्स, देयर आर सो मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद ओ। उसके बाद आपको ये वर्कशीट करनी है, 6 to 10, है ना, 6 सीखना आप, 6, 7, 8, 9 and 1010, ऐसे आपको वर्कशीट में लिखना है। ओके ये वर्कशीट में 6, 7, 8, 9, 10 आपको लिख देना है, 1 to 5 आप पहले सीखे, और उसके बाद यहाँ पे आपको सीखना है HAVCO, है ना, ये हम सीखे ना, ये सब आपको लिख देना है वर्कशीट में। ओके ये वीक का आपका ये सब वर्क है। ओके और आपकी टेक्स्ट बुक जो है ना ABCD की और 1 to 50 की, उसमें भी आपको 1 to 10 नंबर तक फिनिश करना है, एंड ABCD की जो नोटबुक है उसके अंदर आपको इतने अल्फ़ाबेट लिख देने हैं, HAVCNO, ओके LTIFEH, वो आपने लिख दिया, अभी ये वाले लिखने हैं, तो आपके इतने अल्फ़ाबेट्स एंड 1 to 10 नंबर यहाँ पर फिनिश होंगे। फिर मैं आपको 1111 सिखाऊंगी नेक्स्ट वीक में। ओके तो सभी बच्चे ये अच्छे से करके मुझे अपनी बुक के पिक्स भेजोगे, ओके मम्मा को बोलना है, और पेरेंट्स आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की बुक के पिक्स भेजो, तो उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, टीचर्स देखते हैं मेरा तो वो भी करेंगे, तो प्लीज़ हेल्प योर चाइल्ड। ओके थैंक यू। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ना, आपके पास आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके अच्छे से, और नया नया कुछ लेके, है ना, तो तब तक के लिए बाय बाय।